मंगलम प्रणीता, चिंधन प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्य गड़िनी आरिका श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेध शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति, जिन धन प्रभाविका, आरिका रत्न श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी, अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग ऐसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती, मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति, जिन धन प्रभाविका, आरिका रत्न श्री 105, सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 251000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122010111777, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 93765 71003 93765 71001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भाई का प्रेम नजर नहीं आता है, भ्रात प्रेम नजर नहीं आता है, तो भरत जैसा त्याग नजर नहीं आता है, सीता जैसा समर्पण नजर नहीं आता है, तो कई जैसा प्रायश्चित भी नजर नहीं आता है। हम लोग कह देते हैं कि केकई बदनाम थी, केकई को बहुत पश्चाताप हुआ था, लेकिन आप सोच सकते हैं, आप रोज बुरे कर्म करते हैं और परमात्मा से लिस्ट देते हो भले कर्मों के, कि मैं बीज तो बोऊंगा जहर का, लेकिन तू कुछ करिश्मा करना कि बीज जहर के हो और फल अमृत के आ जाए। ध्यान रखना, हम हमेशा कहते हैं वो बुरा है उसने मेरे साथ किया, और यही संसार का रास्ता है। हर व्यक्ति प्रतिकर्म देखता है कि मैंने किया और उसने मेरे साथ ये किया। हर आदमी आज दुखी क्यों है, क्योंकि वो सोचता है किससे करूं तो क्या मिलेगा और ये कब तक चलेगा।
हमें क्या करना है ये नहीं देखते हो, ध्यान रखना हमें क्या करना है ये भक्ति है और हमें क्या मिलेगा ये व्यापार है। आप हमेशा परिवार हो, रिश्ता हो, मंदिर हो, राजनीति हो, सब में ये देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, और जब तक मिलने पर नजर है तब तक कुछ नहीं मिलेगा। आप बीज को डालें और सोचें कि कब ये फल आएगा, तो कभी फल नहीं आएगा। रोज उसे निकाल कर देखोगे तो फल आएगा क्या? डाल दो बस, देखो मत, और फल आएगा नहीं। अपने साथ बीज भी आएगा और फल भी लाएगा और आने वाली श्रृंखला भी सुखद होगी। हम सब दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हमारा जीवन संभावना है। पानी यदि जमा दो 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाए तो बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो भाप बन जाता है। हमारे जीवन का भी यही क्रम है। यदि हम राग में जम जाते हैं तो निगोद तक चले जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं एक इंद्री में। हमारी यात्रा क्या है? पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा है। आप लोग पढ़ते हैं कि निगोद से लेकर हमारी यात्रा शुरू होती है, वो तैते चाहे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे कर। हमने बोला कि हम निगोद से निकले, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्याय पाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? और स्वर्गों तक जाकर हम वापस वहीं पहुंच गए। ये तो वही हुआ कि आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसे हो। आज की घटना, हम लोग मैना सुंदरी की बात करते हैं तो हमेशा लगता है पिताजी ने गलत किया, लेकिन ध्यान रखना, जब श्रीपाल ने पूर्व जन्म में हंसी उड़ाई थी श्रीपाल के जीव ने, तब भी मैना सुंदरी पत्नी थी, ध्यान रखना। ये रिश्ते जन्म जन्मांतर के चलते हैं। एक पत्नी आई और बोली, माता जी आशीर्वाद दो, अगले जन्म में हमें यही मिले। हमने कि बहुत अच्छे हैं क्या? बोली अच्छे तो ठीक हैं, लेकिन हमने कह कह के सुधार लिया, अब हर जन्म में किस किस को सुधारेंगे। आप खुद नहीं सुधर पा रहे, दूसरों को क्या सुधारोगे? और आपने देखा हर आज घर में द्वंद मचा है, क्योंकि जो हमें संस्कार दिए जाते थे वो संस्कारों का लोप हो गया, वो संस्कृति का लोप हो गया। सभ्यता के नाम पर झूठा दिखावा है। सभ्यता के नाम पर हम इतने फूहड़ हो गए हैं कि आदमी आदमी से प्यार से बोलना भूल गया है, किसी का स्वागत सम्मान करना भूल गया है। और ये संस्कृति सिर्फ संतों के पास या सद्भक्तों के पास मिल सकती है। उस बार भी हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की छाव में। कभी भी हंस हंस कर हम बांध लेते हैं। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, होता वही इंसान है। क्योंकि उस जन्म में भी मुनियों को देखकर लोग कहते हैं मुनि हमारे स्वर्ग का सोपान है। हमने कहा यदि भूल से भी अवहेलना हो गई तो नरक का स्थान भी है, क्योंकि मंदिर को आप सोचते हैं पुण्य का कारण है, मंदिर में चोर आ जाए तो पुण्य का कारण है क्या? मंदिर की प्रतिमाएं चुरा कर ले जाए तो पुण्य का कारण है क्या? ग्रस्त आश्रम आपका आश्रम कहा है, लेकिन ग्रस्त में मात्र पाप होते हो। आज लोग कहते हैं पत्नी है तो भोग भोगो, हमने कही पत्नी भोग के लिए नहीं मिली है, तुमने कन्या दान पूर्वक स्वीकार किए, और दान का उपयोग करने वाला नियम से नरक जाता है, ध्यान रखना। तुम्हें दान में मिली है, श्रावक आश्रम चलाने के लिए मिली है, तुम्हारा एक दिन मोक्ष मार्ग में परिवर्तन हो जाए, तुम अव्रती से व्रती बन जाओ। जिस प्रकार से आप हॉस्पिटल में जाते हो तो नर्स आपसे इतनी अच्छी बातें करती कि पत्नी भी नहीं करती, पत्नी भी इतने प्यार से नहीं बोलती होगी जितना नर्स बोलती है,
लेकिन उसे क्या पता है, जब तक तुम हॉस्पिटल में हो तब तक रिश्ता गए। तुम गए, तुम्हारा रास्ता तुम जानो, हमारा रास्ता हम जाने। इसीलिए हम आचार्य ने कहा है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है में अमल है, कि नगर नारी को बेस्या बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि पत्नी को भूल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वो प्यार पति से नहीं करती है, वो प्यार पैसे से करती है, अभिनय करती है। तुम भी अभिनेता मत बनना, बनना है तो मोक्ष मार्ग के नेता बनना। तुम भी खलनायक नहीं बनना, बनना हो तो मोक्ष मार्ग के नायक बनना। अपना उद्देश्य तो परम रखो, क्षुद्र पर क्षुद्र मिल भी जाए। किसी ने विनोबा भावे से पूछा था कि तुम संतुष्टि, तुम अपने जीवन में सब कुछ पालो तो अच्छा है कि बिना पाए मर जाओ तो अच्छा है। उन्होंने कहा बिना पाए मर जाऊं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्षुद्र को पाकर भी हार हो जाती है और विराट को नहीं पाए तो भी प्राप्ति हो जाती है। ध्यान रखना, शुभ परिणामों को करना, नहीं भी पा पाओगे तो दुर्गति नहीं जाओगे, और पाप में हासिल भी कर लोगे तो क्या कर लोगे। क्योंकि नादिर शाह ने किसी ज्योतिषी से पूछा कि मैं 10 बजे सोकर उठता हूं तो कैसा है। उसने कहा आप यदि दिन भर सोए तो और अच्छा है। आप समझ गए, आप दिन भर सोए तो और अच्छा है, क्योंकि जितना पापी जागेगा उतना पाप बढ़ेगा। और इतना ही नहीं है, चंगेल खां के दरबार में एक वेश्या आई और रात को अंधेरा था, अमावस की रात थी। उसने कहा कि हुजूर जाते समय अंधेरा रहेगा, कुछ रोशनी का प्रबंध कर दें। चंगेल खाने का तू भी क्या याद रखेगी, अरे जमाना याद रखेगा कि चंगेल खां की नृत्य की गई थी तो कुछ रोशनी हुई थी। उसने कहा जितने गांव पड़े सब जला दो। ध्यान रखना, रोशनी एक दीपक से भी हो सकती थी, एक मसाल से भी हो सकती थी, लेकिन पापी का चित्त जब भी करेगा तो लगेगा किसी को सता के मैं ऊपर हो जाऊं। और पुण्यात्मा कहेगा कि मैं दुख भी पालूं तो दूसरों को सुख दे दूं। यही अंतर है। तीन प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता दूसरों का बुरा होता हो तो होने दो, मेरा काम बनना चाहिए। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कहते हैं दूसरों का भी बने मेरा भी बने। लेकिन तीसरे लोग परमात्मा महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं कि दूसरों का बन जाए फिर हमारा अपने आप, दूसरों का हित करो तुम्हारा हित हो जाएगा। लेकिन सच बताना, आज पूरी दुनिया परेशान क्यों है? क्योंकि जिस बार अहंकार में आकर श्रीपाल ने मुनियों को भाड़ कह दिया था, धूल के कण पर बारिश की बूंदें गिर गई थी तो कुछ ऐसे इंसान पड़ जाते हैं, उन्हें देखकर कोड़ी कह दिया था। सृष्टि मंगलम प्रणीता चिंतन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गढ़ी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेध शिखर जी श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी आहार औषध अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है, मैं एक टीचर थी,
अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं, मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ मैं नहीं जानती, मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 251000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122010117277, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 93765 7100 3 93765 7100 1। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।